हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ एक न्यू गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, आज हम फिर से खेलेंगे यूरो ट्रक सिमुलेटर 2। तो गाइस, वीडियो को जल्दी से करते हैं स्टार्ट। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ, जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो गाइस, ये कुछ दिनों से जो हमारी जंगल में बस खड़ी थी, तो गाइस मैंने सोचा कि कुछ लोगों से बात कर लूँ और इस बस के बारे में पूछ लूँ। तो गाइज, जैसे ही मेरी लोगों से बात हुई, तो गाइज मैंने इस बस को उन लोगों से ख़रीद दिया। इसमें कुछ भी काम नहीं हुआ है, ये बहुत ही पुरानी बस है गाइज। इसमें हमारा चिंटू ड्राइवर जो है पहले से ही इस बस में बैठ चुका है। तो जल्दी से करते हैं स्टार्ट, देखते हैं कि स्टार्ट हो पाती है या नहीं। लग रहा है कि बैटरी इसकी ठीक है। होगी होगी स्टार्ट। एले, ये तो फिर से बंद होगी। ये क्या हो रहा है गाइस? ये बार बार ऑफ हो रही है क्योंकि इसका इंजन जो है बहुत ही पुराना है गाइस। गाइस हो चुकी है स्टार्ट और देख रहे हो धुआं भी छोड़ रही है गाइस, इतना काला धुआं। तो फटाफट से अपनी जो है बस की मॉडिफिकेशन करते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो चलिए भाई दोस्तों, हो चुकी है हमारी जो अपनी जो बस हो चुकी है एकदम से रेडी। मैं आपको एक बार उसका व्यू दिखा देता हूँ। ये रही हमारी बस, कितनी शानदार लग रही है। और देख रहे हो आज हमारे साथ जो है फर्स्ट राइड होगी। तो हम पहली बार अपनी बस को जो है इस बस को रूट पर ले जाएंगे। और आज कोई हमारा ऐसा कोई रूट नहीं होगा, पर्सनली रूट होगा और पर्सनली लोगों को घुमाने के लिए ले जा रहे हैं। और ये जो गांव के लोग हैं ये पहले से आ चुके हैं और बस में बैठ भी चुके हैं। और ये कुछ रहा सामान लोगों का, और देख रहे हो कितनी ज़्यादा फुली लोड है हमारी जो बस। और हमारी जो बस है एकदम ओपी कंडीशन की है और एकदम ओपी मॉडिफिकेशन हुई है। और गाइज, आपको ये मॉडिफिकेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए अपने जो है सबसे पहले अपनी बस को करते हैं स्टार्ट। और सुबह के बज चुके हैं 6:19। फटाफट से मैप निकाल देते हैं। हमारा मैप बोल रहा है कि 4 घंटे लगेंगे 33 मिनट, 4 घंटे 33 मिनट लगेंगे। 154 किलोमीटर है और 10:53 हो चुके हैं। तो चलिए करते हैं अपनी बस को सबसे पहले स्टार्ट। ओ भाई भाई, क्या लुक है भाई, आगे RGB लगी है। ओ भाई, क्या शानदार लग रही है। ओ भाई, ऑसम लग रही है गाइस, देख रहे हो। तो चलिए सबसे पहले डालते हैं बैक गियर, देख रहे हो हैंड ब्रेक लगी है। तो हमने जो ये टोन है हमने ये चेंज नहीं करवाई क्योंकि ये टोन इसमें अच्छी लग रही थी। तो भाई जल्दी से करा देते हैं, देख रहे हो भाई कितनी गजब की चल रही है। तो हम चलते हैं, हमें यहाँ से लेना होगा सबसे पहले लेफ्ट इंडिकेटर दे देते हैं। आ तो नहीं रहा है कुछ। ओ भाई, टाटा लोरी का ट्रक आ रहा है। चल 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 चल, अब तो चल पड़ी भाई। चल चल, आगे से भी आ रहा है ट्रक भाई, पीछे ले ले थोड़ी। ओ भाई भाई, पीछे ले ले थोड़ी, बच गई भाई, बच गई बच गई। मुझे ही बैक गियर डालना पड़ेगा। चलो मैं ही डालता हूँ। चल भाई चल चल भाई चल, चलिए भाई चले भाई भाई भाई, भाई देख रहे हो इस बस को ही सभी देख रहे हैं। और ये सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे भी आए हैं। उसे चलते हैं अपने रूट की तरफ।
तो इससे ले लेते हैं पास जल्दी से, अगर आगे से कुछ आए ना तो। चलो चलो जाना है तो उसको भी। देख रहे हो गाइस पक्षी की कैसी चहचहाती आवाज़ है, सुबह सुबह से पक्षी कितने ज़्यादा चिल्ला रहे हैं। और ये आ चुके हैं नदी, नदी के ऊपर पुल। तो आगे भी भाई फुली लोड जो हमारा ट्रक है, हमारे से आगे जो ट्रक चल रहा है वो भी फुली लोड है गाइस। और देख रहे हो कितने ज़्यादा गहरे मोड़ हैं, तो हमें अपनी बस को तो थोड़ा आराम से चलाना होगा। देख रहे हो आगे स्पीड से ट्रक आ चुका है। तो इस लिंक रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। और देख रहे हो एक कैसा हरा भरा मैप है, एकदम ऑसम लग रहा है। अगर आपको भी ये मैप अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो भाई इस ट्रक से हमें लेना पड़ेगा पास, तो चलिए चलते हैं, दौड़ाते हैं थोड़ी अपनी बस को। तो आगे आ रहा है पुल एक, तो चलिए आगे से कुछ नहीं आ रहा भाई, चल चल ले ले पास ले ले। ओ भाई देख रहे हो कितने आराम से हमारी बस ने जो है पास ले लिया है। भाई कितना घना जंगल है भाई, चारों तरफ पक्षियों की चहचहाती आवाज़ है। और देख रहे हो एक घर है, बहुत ज़्यादा घर है, पर इस घने जंगल में इतने सारे घर है पर इसमें दिखाई कोई नहीं दे रहा है। या पता अभी तक सोए होंगे, क्योंकि अभी जो टाइम हुआ है वो बज चुका है 7, तो थोड़ी हल्की हल्की धूप भी आने लगी है। ओ भाई कितना घुमा हुआ मोड़ है, ओ भाई भाई भाई, भाई। तो गाइज मैं थोड़ा सा आपको एक व्यू अंदर से भी दिखा देता हूँ चलाकर। तो ये रहा कुछ अंदर का व्यू इस प्रकार, देख रहे हो कितनी ज़्यादा मॉडिफिकेशन हो रखी है अंदर। ये हमारा गणपति बाबा, और एकदम ओपी मॉडिफिकेशन हो रखी है। अंदर से भी चलाने का मज़ा ही कुछ और है। गाइस हमारा जो बस है वो तो, उसका जो टंकी है पेट्रोल की टंकी वो तो अभी हमारा फुल है, तो हम अभी पेट्रोल नहीं भरवाएंगे। गाइस जो हमारी बस है एकदम गजब तरीके से चल रही है, एकदम ओपी तरीके से। तो भाई इस रोड पे ज़्यादातर टाटा लॉरी के ट्रक चलते हैं, क्योंकि इस रोड पे बहुत ज़्यादा काम है। और देख रहे हो बसें भी चल रही है। ओ भाई 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 भाई, भाई बच गया बच गया बच गया। ओ भाई अरे भाई ये क्या है, ये कैसी आवाज़ है गाइस, देख रहे हो कितनी ज़्यादा गंदी आवाज़ आ रही है, ये क्या है। ओ भाई ये तो कुत्ते हैं, 4 कुत्ते। भाई ये क्यों भूख रहे हैं, ये क्यों भाई, दिख तो कुछ नहीं रहा। तो भाई अबे ट्रक वाले देख रहे हो कितनी ज़्यादा गंदी आवाज़ आ रही है, एकदम डरावनी आवाज़। लगता है इस मैप में कहीं चुड़ैल तो नहीं है। ओ भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा डरावना मैप है।
भाई चल गई आवाज। ओ भाई 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 भाई, भाई बहुत ही ज्यादा डरावनी आवाज थी, बहुत ज्यादा। और ये लगता भी है क्योंकि ये जो जंगल है एकदम सुनसान जंगल है। वैसे गाड़ियां तो चलती है पर रुकती नहीं है। तो भाई फिर से आ चुकी है वैसी ही आवाज। लगता है कुछ ना कुछ इस मैप में जरूर है भाई, ऐसी ऐसी आवाजें आ रही हैं। बहुत ज्यादा डर लग रहा है। रात को इस रोड पे आना बहुत ही मुश्किल है भाई, रात को इस रोड पे नहीं आना पड़ेगा। और अगर बाय चांस कहीं इस रोड पे हो जाए हमारी बस खराब तो भाई भाई भाई, मुझे लोगों ने बताया था कि ये बहुत ही ज़्यादा सुनसान है जंगल और बहुत ज़्यादा डरावना है। चलो कोई नहीं, हम तो यहाँ से निकल चुके हैं, हमारी बस भी एकदम अब ओके हैं, कहीं बंद होने वाली नहीं है। क्योंकि हमने अपने बस को अच्छी तरह से मॉडिफिकेशन और उसकी पूरी तरह से मेंटेनेंस करवा दिया है। तो भाई देख रहे हो कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा चलाने में भाई। मैं सच बात बताऊँ तो भाई तो बहुत ही ज़्यादा तगड़े वाला मज़ा आ रहा है। तो भाई आज का जो ये सफ़र है बहुत ज़्यादा लंबा है गाइस, तो मुझे नहीं लगता कि आज इस वीडियो में हम इतना बड़ा जो है ये सफ़र क्लियर कर पाएंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा करेंगे आज। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम बता रहा है, क्योंकि अभी तो 5 घंटे 15 मिनट और बता रहा है, अभी तो 179 किलोमीटर बाकी है गाइस। तो भाई हम तो कहीं आगे स्टे कर लेंगे, पार्किंग में अपनी जो है बस को खड़ी कर देंगे और यहीं पर थोड़ा वहीं पर हम वीडियो कर देंगे एंड। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही लाऊंगा और फिर इस रूट को जो है पूरा करेंगे। भाई ये ट्रक वाला बहुत ही ज़्यादा धीमा चल रहा है, इसे साइड लेनी पड़ेगी। ओ भाई 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 बच गया भाई, बच गया भाई। अभी मेरी ड्राइविंग इतनी ज़्यादा प्रो नहीं है, हो ही जाएगी प्रो थोड़े दिनों में। भाई ये जो रोड भी है एकदम डेंजर रोड है, देख रहे हो कितने ज़्यादा इस रोड में कट है और पेड़ है जो गाइज वो रोडों में ही आ चुके हैं। तो भाई ये भाई बार बार ये पुलिस पता नहीं कहाँ जा रही है, क्या क्या हादसे हो रहे हैं। तो भाई जल्दी से अपनी बस को थोड़ा तेज चलवाते हैं, थोड़ा अपनी बस को तेज चलाते हैं और पहुंचते हैं अपनी थोड़ा हाफ लोकेशन पर। इस रोड पे तो ट्रक ही ट्रक चल रहे गाइस। ओ भाई 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 भाई, भाई बचकी 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 भाई बचकी। गाइस बहुत ही ज्यादा घुमा हुआ रोड है,
ओ भाई 100 रुपये का चलान कट चुका है, स्पीड हमारी बहुत ज़्यादा थी। चलो कोई बात नहीं, देख रहे हो यहाँ पर हमारी जो बस है स्टे कर रही है, तो हम भी थोड़ा यहाँ नहीं करेंगे, हम थोड़ा आगे करेंगे स्टे। ओ भाई फिर से स्पीड का चलान कट चुका है, ये क्या चक्कर है? ओ भाई कितना ज़्यादा लोड ट्रक है। ओ भाई 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 भाई, भाई, भाई। कहाँ मैं साइड ले रहा हूँ, रॉन्ग साइड। चल भाई यहीं ले लेता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहूँगा गाइस, अगर आपका ऐसा सपोर्ट रहा तो। और भाई फिर से कट चुका है रेड लाइट का चलान। चलो हम चलते हैं फटाफट से। तो गाइस यहीं पर कर देंगे हम अपनी बस को पार्क, और अगली वीडियो में मैं जरूर आपको लोकेशन दिखाऊंगा। तो यहीं पर कर देते हैं अपनी बस को पार्क, आगे कर देता हूँ, आगे पार्किंग है। लेफ्ट इंडिकेटर दे देते हैं। जाने दे जाने दे भाई जाने दे, क्या कर रहा है? तो चलिए अभी करते अपनी बस को बंद, और भाई ये सब जो है यहीं पर कर लेंगे स्टे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जल्दी से करा दीजिए मेरे चैनल पे 500 सब्सक्राइबर। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।